नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नरेंद्र मोदी को मिला सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सऊदी अरब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के साथ व्यापक बातचीत की। इससे पहले सऊदी अरब ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द किंग अब्दुल अजीज साज से सम्मानित किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने शाही कोर्ट में प्रधानमंत्री को इस सम्मान से विभूषित किया, जहां दोनों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। यह सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के नेताओं में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सिसी शामिल है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले मोदी ने अरबी और अंग्रेजी में ट्वीट किया कि आपका शुक्रिया सऊदी अरब। बाबा रामदेव ने कहा कि भारत माता के अपमान पर लाखों सिर काटने का रखते हैं साहस। भारत माता की जय नारे पर चल रहे विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव भी कूद रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए ओसी पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि उनके हाथ कानून से बंधे हैं, वरना कोई भारत माता का अपमान करे तो एक नहीं लाखों सिर काटने का साहस रखते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि कोई टोपी पहनकर कहता है कि वह भारत माता की जय नहीं बोलेगा, चाहे कोई मेरी गर्दन काट ले। उन्होंने कहा कि हम कानून से बंधे हैं, अगर कोई भारत माता का अपमान करेगा तो हम लाखों सिर काटने का भी साहस रखते हैं। गौरतलब है कि असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि कोई उनके गर्दन पर भी चाकू रख देगा तब भी वे भारत माता की जय नहीं कहेंगे। इसके बाद सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था दारुल उलम ने भी भारत माता की जय के नारे के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। दोस्तों का खुलासा कि राहुल ने दिया था प्रत्युषा बनर्जी को धोखा। टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के कथित तौर पर आत्महत्या करने के मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब अभिनेत्री के दोस्तों ने दावा किया कि उनके प्रेमी राहुल राज सिंह ने उन्हें धोखा दिया था और वह सार्वजनिक स्थलों पर एवं पार्टियों में उन पर हाथ भी उठाता था। टीवी धारावाहिक बालिका वधू में अपने अभिनय से प्रसिद्धि हासिल करने वाली 24 वर्षीय अभिनेत्री प्रत्युषा 1 अप्रैल को उपनगर गोरेगांव में स्थित अपने घर पर मृत पाई गई थी। संदेह है कि प्रत्युषा ने आत्महत्या की। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रत्युषा की दोस्त काम्या पंजाबी और विकास गुप्ता ने दावा किया कि राहुल ने प्रत्युषा को धोखा दिया था और वह लोग एक बेमेल रिश्ते में थे। काम्या ने कहा कि 3-4 दिन पहले ही प्रत्युषा ने मुझे फोन किया था और बताया था कि राहुल उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती, वह इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। उसने कहा था कि उसे मदद की जरूरत है। विकास गुप्ता जो कि प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा कि प्रत्युषा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थी। विकास ने दावा किया कि राहुल की पूर्व प्रेमिका सलोनी शर्मा भी उनकी गैरहाजिरी में प्रत्युषा के साथ दुर्व्यवहार करती थी। उन्होंने कहा कि घटना के एक दिन पहले प्रत्युषा ने उन्हें फोन कर बताया था कि सलोनी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है।